है, आपके वृष राशि में द्वितीय भाव में मिथुन का सूर्य बैठा हुआ है, तो जो आपकी वाणी होगी बहुत ही कीमती होगी, जो आप सलाह देंगे वह बहुत ही कीमती होगा, इससे आपको धनागम होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और आपके तृतीय भाव में बुध शुक्र राहु है, तो परिवार में महत्वपूर्ण कार्य करने से आपका महत्व बढ़ेगा, परिवार में आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी समाज में, परिवार में, देश में, आज आपका महत्व बढ़ने का समय आ गया है। नकारात्मक सोच से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि नकारात्मक सोच आपको पीछे ले जाता है। और आपके छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में बैठा हुआ है, जिससे रोग और शत्रु आपके जो भी होगा उनका समन होगा, उनका पतन होगा, जो रोग और शत्रु होंगे जो आपसे विरोध करेंगे वो परास्त होंगे, और न्यायालय में अगर कोई भी आपका चल रहा होगा तो उसमें आपको विजय हासिल होगी, अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा। इस तरह की आपकी कुंडली में संभावनाएं इतनी प्रबल बन रही हैं कि कई ग्रहों की जो स्थिति है बहुत ही स्ट्रांग है, तो आज आपको अपने सही दिशा में सही कार्य करने की जरूरत है और परिश्रम की जरूरत है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि नकारात्मक सोच से बचना है, अपने को निगेटिव में नहीं लाने देना है। उपाय आज क्या करना है, उपाय आज आपको ये करना है कि आज आप सफ़ेद मोती धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सफ़ेद वस्तु का अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग सफ़ेद है, और आपका लक मीटर 6 है। हरे कृष्ण।